अस्सलाम वालेकुम, नया शॉप शिप खुश हमें बात करेंगे खाई कैप से 16 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा हुआ जाता है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। कहती है कि मुझे ये चाहिए था, और दूसरे फासिल की माँ खुश भी होती है, रमजदा भी, और दूसरे बादशाह खान अपने बेटे के बदले कि आग में जल रहा होता है, वहीं पमाना को उसका बाप कहता है तो मेरे लिए मर गए, इसी कमरे से बाहर नहीं जाओगी। वही उसका वो शुक्रिया अदा करती है, और वहीं उसे देखता है कि वो अपने बेटे की याद में बिल्कुल पूरी तरह पागल हो जाती है। वहीं वो उसे बादशाह खान के फिक्र में निकलता है, और भाई देखता है तो सिर्फ बादर खान उसे मिलता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि बादर खान ने उसे बताता है कि बादशाह खान कहाँ पे। उसके पास जाता है और अपने भाई से कहता है कि आप चले भाई, आप इस तरह से मत करें, सब ठीक हो जाएगा। तो सिर्फ बादशाह परेशान होता है, दूसरा पावाना उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है, और वहीं वो चनार खान आता है और अपनी मोहब्बत का इजहार उसे करता है। आने वाले एपिसोड में हमें देखेंगे किस तरह उसे अपनी बीवियों से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे प्यार मोहब्बत से रहना है आपस में, और मोहब्बत से ही एक दूसरे के साथ गुजारा करना है, आपस की नफरत को कम करना है। दूसरी तरफ वो बादर खान से बात करते हुए कहती है कि मुलाबस चले तो मैं इनको आज की ज़मीन के अंदर दफन कर दूँ, और वो भी अपने बदले की आग में चल रहा होता है। वहीं पे वो उसे कहता है कि वो बादर खान को नहीं छोड़ता, पास से वो काफ़ी परेशान हो जाती है, और वहीं वो अपनी पूरी फौज के साथ बादर खान की तलाश में निकलता है, उसे देखती है और काफ़ी परेशान सोच जाती है। वहीं बादर खान को कहती है अभी तुम उससे नहीं लगे, बल्कि अभी तुम्हें कमज़ोर करी पर वार करना है ताकि वो ना रहे, बल्कि की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं कि हम कोई गलती करें। और वहीं जब उसे बात करी होती है वहाँ उसका भाई पहुँच जाता है। अब देखना ये आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या वाकई वो उसे देख लेगा, और क्या इसके बाद नई मुसीबत खड़ी होगी। जमदा के लिए आप अपनी रिकमेंड के जरिए जरूर दीजिएगा।